मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। आप हिंदी पढ़ोगे ना टीचर के साथ, तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे। इसके पहले कौन से व्यंजन पढ़े, इसके पहले क्या पढ़े बच्चों? इसके पहले हमने व्यंजन पढ़े, है ना? तो आज हम कौन सा व्यंजन पढ़ेंगे? ड डमरू का व्यंजन पढ़ेंगे और ढ ढक्कन का व्यंजन पढ़ेंगे। ओके, तो चलो देखो ब्लैक बोर्ड। टुडेस डेट 1/12/2021। आज की डेट क्या है? 1/12/2021। टुडेस डे वेडनेसडे। आज कौन सा डे है? आज वेडनेसडे है। क्लास KG1, सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ रहे बच्चों? हम व्यंजन पढ़ रहे हैं ना। तो आज कौन सा व्यंजन पढ़ेंगे? आज हम ड डमरू का व्यंजन पढ़ेंगे और ढ ढक्कन का व्यंजन पढ़ेंगे। ओके, आपको पता है ना हिंदी का होमवर्क कौन सी कॉपी में करते हैं? हिंदी का होमवर्क 2 lines की कॉपी में करते हो। आप करते हो ना होमवर्क 2 lines की कॉपी में हिंदी का होमवर्क? तो वैसे ही आज हम ढ ढक्कन का राइटिंग करेंगे और ड डमरू का राइटिंग करेंगे और ढ ढक्कन का राइटिंग करेंगे। ओके, तो पहले कौन सा व्यंजन राइटिंग करेंगे? ड डमरू का व्यंजन राइटिंग करेंगे। कैसे राइटिंग करोगे? अभी टीचर आपको बताएंगे कैसे राइटिंग करते हैं ड डमरू का व्यंजन। 2 lines में प्रॉपरली राइटिंग करना है कौन सा व्यंजन? ड डमरू का। ओके, कैसे राइटिंग करते हैं? पहले आपको छोटी स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना है, फिर आपको कर्व ड्रॉ करना है एंड देन सेकेंड लाइन तक आपको एंटी कर्व ड्रॉ करना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सा व्यंजन है ये? ड डमरू का व्यंजन है। कैसे राइटिंग करते हैं ड डमरू का? टीचर आपको फिर से राइटिंग करके दिखाएंगे। कैसे राइटिंग करते हैं? पहले आपको छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपको कर्व ड्रॉ करना है एंड देन आपको सेकेंड लाइन तक आपको एंटी कर्व ड्रॉ करना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सा व्यंजन है ये? ड डमरू का व्यंजन है। ओके, आपको अच्छे से आना चाहिए ना। टीचर आपको फिर से राइटिंग करके दिखाएंगे। कैसे राइटिंग करते हैं ड डमरू का? पहले आपको छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, कर्व ड्रॉ करना है एंड देन सेकेंड लाइन तक आपको एंटी कर्व ड्रॉ करना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सा व्यंजन है ये? ड डमरू का व्यंजन है। देखो टीचर ने कैसे प्रॉपरली 2 lines में ड डमरू का व्यंजन राइटिंग किया ना, तो वैसे ही आपको प्रॉपरली ड डमरू का व्यंजन राइटिंग करना है। ओके, ड डमरू का व्यंजन के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ढ ढक्कन का व्यंजन आता है। तो अभी आपको टीचर ढ ढक्कन का व्यंजन कैसे राइटिंग करते हैं वो बताएंगे। कैसे राइटिंग करते हैं ढ ढक्कन का? पहले आपको छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन आपको कर्व ड्रॉ करना है सेकेंड लाइन तक और फिर आपको यहाँ पे छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सा व्यंजन है ये? ढ ढक्कन का व्यंजन है। ओके, आपको अच्छे से आना चाहिए ना। टीचर फिर से राइटिंग करके दिखाएंगे। कैसे राइटिंग करते हैं ढ ढक्कन का? पहले आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपको कर्व ड्रॉ करना है सेकेंड लाइन तक एंड देन यहाँ पे छोटा सर्कल ड्रॉ करना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सा व्यंजन है ये? ढ ढक्कन का व्यंजन है। ओके, कैसे राइटिंग करते हैं ढ ढक्कन का? टीचर आपको फिर से राइटिंग करके दिखाएंगे। कैसे राइटिंग करते हैं? पहले आपको छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपको कर्व ड्रॉ करना है सेकेंड लाइन तक एंड देन यहाँ पे छोटा सर्कल ड्रॉ करना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सा व्यंजन है ये? ढ ढक्कन का व्यंजन है। ये चलो अभी आपने ड डमरू का और ढ ढक्कन का व्यंजन राइटिंग किया ना। देखो जैसे टीचर ने प्रॉपरली 2 lines में ड डमरू का और ढ ढक्कन का व्यंजन राइटिंग किया, वैसे ही आपको प्रॉपरली 2 lines में राइटिंग करना है व्यंजन। 2 lines के बाहर राइटिंग करोगे क्या? नहीं, और नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है। ओके, तो चलो अभी टीचर के साथ बोलो एक बार, कौन सा व्यंजन है ये? ड डमरू का। बोलो ड डमरू का। फिर से एक बार बोलो ड डमरू का। ओके, नेक्स्ट कौन सा है ये? कौन सा व्यंजन है? ढ ढ ढक्कन का। बोलो टीचर के साथ ढ ढ ढक्कन का। बोलो फिर से एक बार ढ ढ ढक्कन का। फिर से बोलो एक बार ढ ढ ढक्कन का। तो कौन से व्यंजन राइटिंग किया बच्चों आज आपने? ड डमरू का व्यंजन राइटिंग किया और ढ ढक्कन का व्यंजन राइटिंग किया। देखो टीचर ने जैसे प्रॉपरली 2 lines में राइटिंग किए ना, वैसे ही आपको प्रॉपरली 2 lines में राइटिंग करना है। ओके, और प्रॉपरली नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है, अच्छे से राइटिंग करना है, आपको डर्टी वर्क नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये अक्षर अक्षर परिचय की बुक है। इसमें आपको अक्षर भी दिए हैं और पिक्चर्स भी दिए हैं ना, आपने देखे हो ना इसके पहले पिक्चर्स और पिक्चर और अक्षर। तो चलो आज हम फिर से देखेंगे। पेज नंबर 2424 निकालना है। पेज नंबर 2424 पे ये कौन सा व्यंजन है? द डमरू का व्यंजन है। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना डमरू, आपके आप खिलौने में खेलते हो क्या डमरू? ये डमरू आप खिलौने में भी खेल सकते हो, है ना? पिक्चर में जैसे दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? डमरू बोलते हैं। क्या होता है? ड डमरू, ड से डमरू होता है। देखो पिक्चर में दिख रहा है ना, ये क्या है? डमरू है। आप इसके इसे टॉय के आप इसे टॉय समझ के भी खेल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है? ड
डलिया। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, क्या किसकी पिक्चर है ये, डलिया की पिक्चर है। ओके नेक्स्ट देखो ये क्या है, ड से डफली। देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है ना डफली, ये डफली एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इसे ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इसे आप बजाते हो ना तो आवाज आती है। ओके डमरू भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे बजाते हो ना तो आवाज आती है। ड से डमरू होता है, ड से डफली होता है, डफली को भी बजाते हो ना तो आवाज आती है। ओके और ड से डलिया भी होता है। नेक्स्ट पेज नंबर 2525 पे कौन सा व्यंजन है, ढ ढक्कन का व्यंजन है। देखो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ना ढक्कन की पिक्चर, देखो कोई नीचे एक ये है पॉट, उसके ऊपर क्या होता है ढक्कन होता है, ढ ढक्कन का होता है। ओके नेक्स्ट देखो ढ से ढाल होती है। देखो आपने कोई पिक्चर में देखे होंगे वॉरियर्स जो होते हैं उनके पास क्या होती है, ढाल होती है, ढ से ढाल होता है। ओके और देखो ये ढ से ढोलक भी होता है, देखो ये ढोलक भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ढ से क्या होता है ढोलक होता है, पिक्चर में आपको दिख रहा है ना ये क्या है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इसे भी बजाना पड़ता है। ढ से ढोलक होता है, ढ से ढाल होता है और ढ से ढक्कन होता है। ये देखो ये आपकी अक्षर सुलेख है ना, तो इसमें आपको ट्रेसिंग करना पड़ता है और राइटिंग करना पड़ता है, आपको पता है ना, तो चलो अभी हम ट्रेसिंग और राइटिंग करेंगे। देखो पेज नंबर 3131 निकालना है। पेज नंबर 3131 पे कौन सा व्यंजन है, ड डमरू का व्यंजन है। देखो पिक्चर यहाँ पर भी आपको पिक्चर दिख रहा है ना, किसकी पिक्चर है ये, डमरू की पिक्चर है। ओके यहाँ पे आपको क्लास वर्क की सेटिंग करना है, ये आपका ट्रेसिंग पार्ट है, यहाँ पे आपको ड डमरू का ट्रेस करना है, ये आपका नॉन ट्रेसिंग पार्ट है, यहाँ पे आपको ड डमरू का क्या करना है, राइटिंग करना है। ओके तो चलो अभी टीचर आपको ड डमरू का ट्रेस करके दिखाएंगे। कैसे ट्रेस करते हैं ड डमरू का, पहले आपको छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, एंड देन आपको कर्व ड्रॉ करना है, एंड देन आपको सेकेंड लाइन तक एंटी कर्व ड्रॉ करना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे राइटिंग करते हैं, पहले आपको छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, कर्व ड्रॉ करना है, एंड देन एंटी कर्व ड्रॉ करना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही आपको ड डमरू का राइटिंग करना है और ये पूरा ट्रेसिंग पार्ट क्या करना है आपको कंप्लीट करना है। ये आपका क्या है नॉन ट्रेसिंग पार्ट, यहाँ पे आपको क्या करना है ड डमरू का राइटिंग करना है। तो कैसे राइटिंग करोगे आप ड डमरू का, पहले आपको छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, कर्व ड्रॉ करना है और सेकेंड लाइन तक आपको एंटी कर्व ड्रॉ करना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सा व्यंजन है ये, ड डमरू का व्यंजन है। तो ऐसे ही आपको पूरा नॉन ट्रेसिंग पार्ट पर भी राइटिंग करना है और ड डमरू का अच्छे से राइटिंग करना है। ट्रेसिंग पार्ट भी आपको पूरा कंप्लीट करना है, नॉन ट्रेसिंग पार्ट भी आपको पूरा कंप्लीट करना है और पूरा क्लास वर्क आपको कंप्लीट करना है और अच्छे से राइटिंग करना है ड डमरू का। नेक्स्ट पेज नंबर 3232 निकालना है, एंड देन उस पर कौन सा व्यंजन है, ड डमरू ढ ढक्कन का व्यंजन है। यहाँ पे आपको क्लास वर्क की सेटिंग करनी है। देखो यहाँ पर भी ढक्कन की पिक्चर दिख रही है ना, तो ये क्या है ढ ढक्कन का है। ये देखो ये आपका क्या है नॉन, ये आपका ट्रेसिंग पार्ट है, यहाँ पे आपको ढ ढक्कन का ट्रेस करना है, ये आपका नॉन ट्रेसिंग पार्ट है, यहाँ पे आपको ढ ढक्कन का राइटिंग करना है। चलो अभी टीचर आपको राइटिंग करके दिखाएंगे कैसे ढ ढक्कन का राइटिंग करते हैं। यहाँ पे ट्रेसिंग पार्ट पे आपको ढ ढक्कन का ट्रेस करना है। कैसे ट्रेस करोगे, पहले आपको छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, एंड देन कर्व ड्रॉ करना है, एंड यहाँ पे छोटा सर्कल ड्रॉ करना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। कौन सा व्यंजन है ये, ढ ढक्कन का व्यंजन है। ऐसे ही आपको पूरा नॉन ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है और नॉन ट्रेसिंग पार्ट पर भी आपको राइटिंग करना है। पहले पूरा ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है, एंड देन नॉन ट्रेसिंग पार्ट पर राइटिंग करना है। नॉन ट्रेसिंग पार्ट पर भी आपको राइटिंग करना है, तो टीचर आपको राइटिंग करके दिखाएंगे कैसे राइटिंग करते हैं। पहले आपको छोटी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, एंड देन आपको कर्व ड्रॉ करना है और यहाँ पे छोटा सर्कल ड्रॉ करना है और ऊपर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सा व्यंजन है ये, ढ ढक्कन का है। ऐसे ही आपको पूरा नॉन ट्रेसिंग पार्ट भी कंप्लीट करना है और ये ट्रेसिंग पार्ट पूरा कंप्लीट करना है, पूरा क्लास वर्क आपको कंप्लीट करना है। देखो कॉपी में आपको होमवर्क की सेटिंग करना है, यहाँ पे स्वर राइटिंग करना है, अ अनार का से आ तक स्वर राइटिंग करना है और यहाँ पे आज की डेट राइटिंग करना है। जैसे टीचर ने सेटिंग किया ना वैसे ही आपको सेटिंग करना है। यहाँ पे आपको अ अनार का से रु ऋषि तक राइटिंग करना है, ए एढ़ी का से आह तक राइटिंग करना है। ऐसे पूरे अ अनार का से आह तक आपको स्वर की राइटिंग करना और नीट एंड क्लीन राइटिंग करना और प्रॉपर 2 लाइन्स में ही राइटिंग करना और पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज पे देखो आपको होमवर्क की सेटिंग करना है, यहाँ पे व्यंजन राइटिंग करना है, यहाँ पे आज की डेट राइटिंग करना है, एंड देन 1 2 3 4 5 6 6 लाइन्स आपको ऐसे ड्रॉ करनी है। क कमल का से छ छाते तक आपको फर्स्ट हाफ में राइटिंग करना है, ज जहाज का से ढ ढक्कन तक आपको सेकेंड हाफ में राइटिंग करना है। देखो जैसे टीचर ने सेटिंग किया ना वैसे ही आपको प्रॉपरली सेटिंग करना है, हाफ सेटिंग करना है, होमवर्क की सेटिंग करना है, यहाँ पे डेट राइटिंग करना है, क
क कमल का से छ छाते तक राइटिंग करना है, ज जहाज का से ढ ढक्कन तक राइटिंग करना है। और आपको ऐसे पूरा होमवर्क नीट एंड क्लीन कंप्लीट करना है, और जैसे टीचर ने सेटिंग किया है वैसे ही आपको प्रॉपरली सेटिंग करना है, और प्रॉपरली टू लाइन्स में ही राइटिंग करना है और नीट एंड क्लीन राइटिंग करनी है। सो स्टूडेंट्स, अभी टीचर ने आपको बताना कैसे राइटिंग करते हैं व्यंजन ड डमरू का और ढ ढक्कन का, वैसे ही आपको प्रॉपरली ड डमरू का व्यंजन और ढ ढक्कन का व्यंजन राइटिंग करना है। क्लास वर्क कौन सी कॉपी में करोगे? क्लास वर्क आप वर्कबुक में करोगे, और होमवर्क टू लाइन्स की कॉपी में करना है। नीट एंड क्लीन आपको राइटिंग करनी है, टू लाइन्स में आपको प्रॉपरली होमवर्क करना है। टू लाइन्स के बाहर होमवर्क करोगे क्या? नहीं। टू लाइन्स के बाहर राइटिंग करोगे क्या? नहीं। क्लास वर्क आपको वर्कबुक में करना है और टू लाइन्स की कॉपी में आपको होमवर्क करना है। ओके, नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है आपको। थैंक यू, बाय।